Basically, my name is Guru Sharan Singh. Okay, from last, I think, last 7 years, I'm just running this hotel. Okay, I named this hotel as Punjab Express. And I just came here from my city just to seek for the work here only. And we are already running a hotel in our hometown, that is basically in Bathinda, Punjab. And from last 8 years, I'm running that hotel. And afterwards, I just planned to shift into this city. Like, one of my friends just suggested me to have a look around this area actually. Earlier at that time, if I just talk about that 6 to 7 years ago, there was not much opportunities for the North Indian restaurants there. So we, after having a survey around the main number of areas around that in Bangalore, after that we just planned to open a hotel there. स्टार्टिंग में हम बेसिकली जब देखते थे तो यहाँ बहुत कम लोग थे नॉर्थ इंडियंस और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ थी यहाँ, तो हमें वहीं लगा कि यहाँ चांस हो सकता है काम के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग. तो वहीं हमें बेसिकली घर से निकल के कुछ करना था अपने वहाँ काम के रिगार्डिंग, कुछ इंडिविजुअली अपना. तो वो धीरे धीरे जब हमने यहाँ देखना स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे लोग हमें मिले यहाँ इस एरिया में. तो फिर 2-3 लोकेशंस फाइनल करने के बाद हमें ये लोकेशन फाइनल हुई है कॉलेज के रिगार्डिंग, बिकॉज कॉलेज का नॉर्मली यहाँ क्राउड रिसाइकिल होता रहता है कुछ कुछ टाइम बाद यहाँ ही. और यहाँ के लोग स्टार्टिंग में हमें थोड़े से ऑड लगते थे, पर धीरे धीरे जैसे बात कर रहे थे तो लोग धीरे धीरे फ्रेंडली होना स्टार्ट हो गए थे हमारे साथ भी, तो थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा हमें बाद में. एक के लिए टचवुड, हमारी इस चीज़ में किस्मत अच्छी रही है स्टार्टिंग से. जब से हम यहाँ से आए हैं टोटली हमें धीरे धीरे यहाँ नॉर्थ इंडियन क्राउड ईयर टू ईयर बिल्डअप ही हुआ यहाँ. स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली 5-6 साल जब हमने काम पहले स्टार्ट किया था, हार्डली 5% 10% ऑफ द कॉलेज नॉर्थ इंडियन क्राउड. आफ्टरवर्ड्स धीरे धीरे दिल्ली से, राजस्थान जैसे, पंजाब से धीरे धीरे लोग यहाँ शिफ्ट होने लगे रिगार्डिंग स्टडीज ओनली, एंड स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो देयर फॉर द कॉलेज. तो धीरे धीरे हमें क्राउड यहाँ रिसाइकल हुआ तो ऑटोमेटिकली बिजनेस यहाँ ग्रो अप ही हुआ ईयर टू ईयर. मेन्यू में बेसिकली मैंने सिर्फ यहाँ नॉर्थ इंडियन हमने फूड रखा है. काफ़ी लोग हमें स्टार्टिंग में ये सजेस्ट करते भी थे कि आपको सिर्फ नॉर्थ इंडियन क्यों रखा है, आप साउथ में रह के यहाँ का फूड क्यों नहीं रखते हो. तो बेसिकली मेरे को सिर्फ अपना नॉर्थ इंडियन फूड ही टारगेट करना था कि यहाँ नॉर्थ इंडियन जो भी लोग हमारे आसपास यहाँ रहते हैं, चाहे वो फॉरेन से है चाहे जॉब करते हैं, ताकि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बने, तो नेचुरली हमारे लिए भी उतना ही क्राउड ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ. तो बेसिकली अगर हम खाने की बात करें तो यहाँ जैसे दाल वगैरह होगी, दाल में उतनी स्पेशली ये तो येलो दाल्स वगैरह जाता हमारा ज़्यादा, मोस्टली राइस, जीरा राइस के साथ. नहीं तो पनीर में हम बात करें तो पनीर टिक्का बटर मसाला हो गया, पनीर बटर मसाला हो गया, सेम एज इन चिकन इस बटर चिकन टिक्का मसाला, एंड दीज आर मोस्ट प्रेफरेबल थिंग्स हेयर. एंड सेकेंडली ऑन संडे वी हैव अ स्पेशल मेन्यू फॉर दैट छोले भटूरे एंड एवरीथिंग दैट मैम. पहले जैसे मेरे को भी यहाँ काम नहीं आता तो मैंने भी अपने शेफ से धीरे धीरे काम हमने सीखा है, तो मेरे को पर्सनली यहाँ बटर चिकन हो गया, दाल मखनी वगैरह हो गया, ये मोस्टली ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को पर्सनली. ये बेसिकली काफ़ी साल से मेरा इस एरिया में एक्सपीरियंस है, 6-7 साल हो गए जो कि ऑलरेडी मेरे को इस एरिया में जो भी है, मतलब बेसिकली हमारे पास प्लीज़ विजिट कीजिए और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको यहाँ का सब कुछ अच्छा लगेगा ज़रूरी. थैंक यू.